आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि मुझे इस तरह की वीडियोस बना के देगा। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का पहले तो कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं बहुत अच्छी अच्छी हिजाब ट्यूटोरियल्स और भी जो वीडियोज़ होंगी मैं मार्केट में लेके आऊँगी इंशाल्लाह जल्द। सो एक और बात भी आप लोग से करनी थी कि आप लोग कमेंट्स में मुझे ये कह रहे हैं कि ना मुझे अबाया पहनना सिखा दें। तो अबाया तो आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग अबाया किस तरह के लेते हैं, या तो ओपन आगे से लेते हैं कोई स्टाइलिश टाइप होता है, या फिर जैसे ये मैं फुल बंद जो अबायाज होते हैं, या फिर आप ऐसे अबाया पहनते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पहने। लेकिन अगर मैं अबाया कोई लूँगी तो मैं आपको उसका पहनना स्टाइल बता दूँगी कि मैं ये वाला, या फिर तो ये सिंपल है, ये सिंपल ऊपर से पहना जाता है, इसका तो कोई आपको पता है जैसे शर्ट्स वगैरह होती हैं वैसे लोगों का अबाया है ये, मैं इसका कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है। तो जिस तरह जैसे कोई मैं स्टाइलिश अबाया लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि कैसे स्टाइल इसका, कैसे हम करें कि कैसे हम इसे पहने, किस तरह हम इसे पहने चाहिए, तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊँगी। सो ये थी मेरी स्टार्टिंग का टॉपिक जो मैंने आपको बताया। अब मैं हम चलते हैं जो टॉपिक है आज का, वो मैं आज दूसरा हिजाब स्टाइल लेके आई हूँ, सोलो हिजाब स्टाइल जो मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज मैं आपको नेक्स्ट हिजाब स्टाइल बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रॉलर लिया आज, इसके हमने एक साइड आज छोटी रखनी है और एक साइड जो मैंने बड़ी रखी है, और इसको मैंने, इसको भी मैंने जैसे पिछले स्टार्ट में बताया था आगे से मैंने यूं करके यहाँ पे सेफ्टी पर लगा देनी है। ओके सेफ्टी पिन नहीं घूम रही अंदर, और ये मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई है। ठीक है, आगे से जो आपने शेप रखनी है वो यूं करके यूं रखनी है, आपने यहाँ नहीं सेफ्टी पिन लगानी, इसको आप पीछे करके आप सेफ्टी पिन लगा रहे, नहीं आपने आगे ही करके इसे सेफ्टी पिन लगानी है। तो ठीक है, और इसको हमने आगे को रखना है और इसको मैंने यूं लेके जाना है, इसको फ्रंट, इसको मैंने यूं लेके जाना है यहाँ से यूं, और इसको ले जाने से पहले अगर आपका, मैं तो आपको बताती हूँ, अगर आपने लेयर्स बनानी है तो आप इसको यहाँ से यूं उठा के यूं एंड यूं जितनी आप लेयर्स बनाना चाहते हैं उतनी आप पीछे से आगे की तरफ कर लें और इसको यहाँ पे ये लेयर्स बना लें। ठीक है, ये हो गई, और अब मैं ये वाली साइड जो थी ये मैंने उठाई थी, इसे मैं यहाँ जाके यूं लेके जा रही हूँ यूं करके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ से यूं। और इस साइड को मैं यहाँ पे, ये जो मेरी साइड है इसको मैं यहाँ जाके घूम करके यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक पिन, कि मैं यहाँ जाके यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक पिन। ठीक है, इसको मैं ऊपर रखूंगी। ठीक है, और ये मेरा रेडी हो गया। ठीक है, ये आप मास्क के साथ भी पहन सकते हैं, सिंपल है, यहाँ से आपका डिजाइन भी बन गया और यहाँ से आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लेंगे, देखिए लेयर्स, और ये यहाँ से बैक साइड से भी और ये आगे से भी। ठीक है, ये मास्क के साथ भी आप यूं करके पहन लें। ठीक है, और अगर वन मोर थिंग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, अगर आपका ये आगे से ये ट्राइंगल शेप नहीं बनती, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे आगे से ट्राइंगल ये वाली शेप नहीं बनती,
तो आप इसे यूं पकड़ के और यहाँ पे करके ये हिजाब पिन जो कॉमन पिन होती हैं उसको आप यहाँ लगा लें, ठीक है। ठीक, जैसे मैंने लगा ली। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये मास्क नहीं पहनते और अगर आप निकाब करना चाहते हैं इससे, तो आप इसे यहाँ से खोलें, यहाँ से खोलें इसे और आप इसे यहाँ से कर लें नकाब। और आप इसका यहाँ से कर लें, यहाँ से खोलने के बाद यहाँ पे कर लें आप इसका अपना ये निकाब। अगर जो लोग मास्क नहीं पहनते मैं उसका कह रही हूँ, ठीक है। ये दो तरह की वीडियो हो गई, एक मास्क विद मास्क एंड विदाउट मास्क। और ये मेरी कॉमन पिन नहीं लग रही, अंदर कुछ ही नहीं रही, ठीक है। मास्क एंड विदाउट मास्क ये हो गई। और अगर आप ग्लासेस के साथ पहनना चाहते हैं तो दिस वन, कुछ लोग इसको नीचे कर लेते हैं और इसके ऊपर ग्लासेस पहनते, कुछ लोग इसको उठा के रखते हैं और इसके नीचे, क्योंकि जो कि अच्छा नहीं लगता। एंड दिस वन ये बेटर है, ठीक है। ये सही है, वैसे मैं भूत नहीं लगी होंगी ग्लासेस, कोई बात नहीं। सही, ये था मेरा आज का हिजाब ट्यूटोरियल जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, सो ताकि मैं उस तरह का आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आऊँ। और ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो लोग मास्क के साथ हिजाब पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो लोग मास्क के बगैर मास्क नहीं पहनते तो वो भी, मैंने उनको भी निकाब का तरीका बताया कि वो लोग कैसे हिजाब को वेयर कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि मैं एक चैनल सुन रही थी, उन्होंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, उस चैनल का नेम है इस्लाम एपिक। और वो क्या नाम है, डिफरेंट हिस्ट्री वगैरह उनके बारे में बताती हूँ, और यहाँ के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ उनके चैनल को जाके देखिएगा, उनके वीडियोस को देखिएगा, तो फिर उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों को भी इंशाल्लाह पसंद आएंगी, मैंने भी देखी हैं इनको वीडियोस, और आई होप सो आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और मेरा ये हिजाब स्टाइल भी आपको पसंद आया होगा। सो आल्सो इफ यू सो आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। सो और मैं आपको अपना फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस पेज को जाके ज़रूर लाइक कीजिएगा। और थैंक यू मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और ज़रूर मेरे सब्सक्राइब कर देगा चैनल को जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।